कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं घर बन रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। तो हमारी जमीनें दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। जब हमारी जमीनें कम होती जा रही हैं और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमें फल का उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा। तो फल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है कि हम सघन बागवानी लगाएं, पौधे से पौधे की दूरी कम रखें, लाइन से लाइन की दूरी भी कम रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे लग जाए हमारी थोड़ी सी जमीन। अब ज्यादा से ज्यादा पौधे तो हमने लगा लिए, बट उनको बनाए कैसे कि वो फल भी दे। ऐसा तो है नहीं आपने पौधा लगा दिया फल वो वैसे ही दे देगा। आप देखेंगे इस पौधे में कम से कम 500-400 फल लगे हुए हैं जो हम देखें। अगर टोटल फल देखेंगे, फल फूल कली जो भी है, 500-400 फल इस पौधे में। और इस पौधे में अगर हम एक हेक्टेयर की बात करते हैं तो 2222 पौधे लगते हैं, क्योंकि इसमें हमने पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखा है। अभी देखेंगे नए पौधे और लगा दिए और लाइन से लाइन की दूरी हमने 3 मीटर रखी। जब इस दूरी पे हम पौधों को लगाते हैं, हाँ ये 12 मासिक बन गया है। हाँ ये इसका फर्क होता है, ये काट छांट का तरीका भी बताऊंगा तो आप लोगों को। इसमें हम डेली फल खा सकते हैं। अगर हम 2 पौधे के अपने घर लगा लें तो हम प्रतिदिन अपने जरूरत के हिसाब से डेली फल आपको मिल जाएंगे। छोटे से पौधे गमले में भी लगा सकते हैं, उसकी आसानी से काट छांट करनी है, करना कुछ नहीं है। जब आपका फल लग जाएगा, फल लगने के बाद यहाँ से हम उसको कट कर देंगे एक पत्ती, फिर यहाँ से जो नई कल्ले निकलेंगे उस पर फल आ जाएंगे और पिछले फ्रूट का साइड, ठीक है। इस तरीके से करना है। ये हमारा टॉल स्पिंडल सिस्टम कहलाता है, जिस सिस्टम में हमने अपनी ब्रांचेज को, पहली जो ब्रांचेज होंगी लीडर से जब हम तैयार करेंगे तो 4 ब्रांचेज 60-70 सेंटीमीटर पर डेवलप, ताकि नीचे निराई गुड़ाई कर सकें। उसके बाद ये शाखाएं निकालेंगे 4-4, फिर उसके बाद 25-30 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, फिर 4 शाखाएं निकालेंगे। देख रहे हैं 1, 2, 3, 4। अब ये कैसे निकालनी है शाखाएं, ये हमारे हाथ में है, ये पौधे की च्वाइस नहीं है। पौधे की मर्जी से ब्रांचें नहीं निकली, वो हमारी मर्जी से निकली कहाँ हमें शाखा चाहिए। जहाँ हमें शाखा निकालनी है वहीं बड़े के ऊपर कट कर देंगे चाकू से। ये देखेंगे आप, दिख रहा है इस तरीके से, ये देखो कट किया हुआ है, ये देखो है ना, ये कट करने ये कट करने के बाद ये हमारी ब्रांच शाखा निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम अपने पौधे को तैयार करेंगे और फिर जो भी हमारी शाखाएं होंगी उनको रस्सी की सहायता से नीचे की तरफ झुका दो, ठीक है। जब झुका देंगे तो ये हमारी नई नई इसमें इस तरह से शाखाएं निकल जाएंगी, और जितनी भी शाखाएं निकलेंगी उन सभी शाखाओं पे फल आएगा। ये देखो तो ये कट सब पे लगा हुआ है, हाँ जहाँ जहाँ शाखाएं निकाली, जैसे हमें यहाँ चाहिए थी हमने यहाँ कट कर लिया, यहाँ चाहिए था यहाँ हमने कट कर लिया, यहाँ चाहिए था क्योंकि हमने एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी के बीच में 25-30 सेंटीमीटर जगह बना रहे हैं। तो ये कट बड मान लीजिए कि अच्छा चाकू से जहाँ बड होगी, जैसे ये है, ये देखो यहाँ ये बड है, यहाँ यहाँ पे हमें शाखा निकालनी है तो यहीं पे कट कर देंगे ऊपर, हाँ ऊपर शाखा निकल आएगी, शाखा निकल आएगी, ठीक है। इसको हम नोचिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पौधे को तैयार करेंगे और इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। फैल जाएगी ना, ये हमारा तरीका है। हाँ, और छोटा ही पौधा रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। एक ब्रांच की जो शाखा की जो लंबाई होगी वो लगभग हम 1 मीटर ही रखेंगे, इससे ऊपर नहीं, हाँ इससे आगे कट कर करेंगे, ठीक है, इतना ही रखेंगे। और इस छोटे से पौधे को बनाएंगे और इस एक पौधे से एक सीजन में कम से कम 20-30 किलो फल। और अमरूद अगर हम 2 फसल पे लेते हैं तो लगभग 50-60 किलो फसल आपको मिल जाएगी। आप देखिए इस छोटे से पौधे से अगर हम इतनी फल लेते हैं तो हम कहीं ज्यादा पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा। इस तरीके से अब समय है खेती करने का, किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं। लेकिन यह ना इतने फल आपको किसी बड़े पौधे में भी नहीं मिलेंगे, जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े अच्छा जी, ये बीच में ये क्या लगा हुआ है, अमरूद बीच में, ये अमरूद है, ये नई वैरायटी अमरूद की है। नहीं सर जी, ये जो सफेद पत्ते वाली, ये भी अमरूद है। अरे हाँ ये भी अमरूद है।
अब आप लोग देखिए एक तरीका इसमें हमने ये डेवलप किया आता है वो उसमें हम ऊपर लेके गए सीधा, इसमें हमने पौधे को चारों तरफ फैला लिया। एक तरीका ये है हमारा, हम नीचे की तरफ फैला लेंगे सारे पौधे को और यहाँ पे भी उसको नंबर ऑफ फल को बढ़ा। बट आने वाले समय में वो पौधे हमें ज्यादा फल देंगे क्योंकि उसमें शाखाएं ज्यादा हो जाएंगी, इसमें शाखाएं इतनी रहेंगी जितनी बन चुकी है, ठीक है, उसमें बढ़ती चली जाएंगी। उसमें हम 8 फुट तक लगभग 28 से 30 शाखाएं बनाएंगे। अच्छा जी, इसी को हम लोग सीधे ले जाए जाए तो ले जा सकते हैं, बट हम इसको अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं, ठीक, अलग अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। ये हमने इसलिए देखेंगे आप कि इसके अंदर हमने हवा पानी धूप जाने की जगह छोड़ी, दिख रही है, साफ सुथरा दिख रहा है अंदर से। जितनी भी हवा धूप पानी अंदर जाएगा उतना ही हमारे ज्यादा से ज्यादा फल लगेगा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी होगा। जो फल लगेंगे वो हमारे किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, किसी तरह के साफ सुथरे फल होंगे क्योंकि धूप लगेगी। फल सर एक और चीज़ है, जो ये फल लगते हैं बढ़िया फल आया सब कुछ कीड़े लगते हैं, इसका लिए कीड़े के लिए तो इलाज हो जाता है, कीड़ों का कोई मुश्किल नहीं है सर। वो हरे रहते हैं और वो यदि तक पकने में नहीं, हरे पर ही जब हम लोग उसमें जब देखते हैं हमारे पास भी है, मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास भी कुछ फलों में आपको कीड़े लगेंगे मिले हुए दिखेंगे। अमरूद में क्या होता है कि हमारे थोड़ा सा दवाइयों का इस्तेमाल कम इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए हमने अभी हमारे पास फल पक भी रहे हैं, आज हमने दवाई डाल दी कीड़े मारने की और कल हम फ्रूट तोड़ के हमने खाना भी है ना, तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अदरवाइज तो बीमारियों की हर चीज, कीड़ों की तो इतनी अच्छी दवाई आ गई है, कीड़ा हो ही नहीं सकता है, बट वो कहीं ना कहीं उसका अंश तो हमारे अंदर भी जा रहा है ना भाई, फल तो हम भी खाएंगे ना वो, तो उस चीज को भी हम थोड़ा ध्यान बताते हैं। जैसे बोलते हैं पौधों में फल देखो एक बार, इतने फल आपको किसी पौधों में देखने को नहीं मिलेंगे। बताए भी थे वहाँ पर वो दिन आश्रम चाहिए बहुत पास पास लगा हुआ है, ये सब चीजें। और पास पास की बात तो ये है, पहले ये पौधे से पौधा 3 मीटर था, अब हमने एक पौधा बीच में लगा दिया। आप लोग खुद देखो कि एक पौधा लग सकता है कि नहीं लग सकता, जगह है आराम से सर लग तो गया, हम इतना ही रखना है हमने। अच्छा, ये लंबे में रखने हैं, बस जो बन गए बन गया फाइनल, फिर तो ये उतना ही रहेगा और ये भी उतना ही रहेगा, तो बीच में जगह बन गई तो एक पौधा हमने और लगा दिया। जैसे ऊपर से सूख गया ये, नीचे से कंछा दे रहा है तो क्या वो चल जाएगा? चल जाएगा, होता है जब पौधे की जड़े रखा होता है ना कहीं पौधा, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत दिनों से रखे रखे उसकी जड़े नीचे चले जाते हैं, हाँ जी। और जब उसको उठाते हैं तो ऊपर से सूख जाता है, हाँ जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पौधे सब चले।